बल्लारपूर मूल विधानसभा मतदार संघातील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार संतोष सिंह रावत यांच्या प्रचारार्थ बल्लारपूर शहरातील गांधी चौकात स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार यांची जाहीर सभा पार पडली. संविधान वाचवण्यासाठी आता जनतेने एकत्र यायला हवं असं आवाहन त्यांनी यावेळी केलं. यावेळी मंचावर ज्येष्ठ नेते बाबासाहेब वासाडे, जैनुद्दीन झवेरी, घनश्याम मूलचंदानी, राजेंद्र वैद्य, बेबीताई उईके तसेच महाविकास आघाडीचे सर्व प्रमुख नेते उपस्थित होते. बेरोजगारांच्या हाताला काम नाही, जनता त्रस्त असून ही लढाई अन्याय विरुद्ध न्यायाची असून जनसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संतोष सिंह रावत यांना मतदारांनी निवडून द्यावं असं आवाहन यावेळी कन्हैया कुमार यांनी केलं. बल्लारचा विधानसभा क्षेत्र के यहाँ के जो अर्थमंत्री रहे सुधीर बाबू मुनगंटीवार, उनके खिलाफ रावत जी है, क्या कहेंगे? देखिए हम लोगों का जो पूरा का पूरा चुनाव प्रचार है और हमारा जो मुद्दा है, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है. हम उस सोच के खिलाफ हैं जिसमें जो अमीर हैं वो तो अमीर होते जा रहे हैं लेकिन जो आम लोग हैं उनसे उनके अधिकार छीन रहे हैं, रोजी रोजगार छीना जा रहा है. तो ये लड़ाई जो है बेसिकली न्याय और अन्याय के बीच है. ये लड़ाई जो है नफरत और मोहब्बत के बीच में. आप ये मत समझिए कि वो जो फिनांस मिनिस्टर हैं और हमारे रावत जी जो हैं उनके बीच में लड़ाई है. ये लड़ाई बेसिकली नफरत और मोहब्बत के बीच में है. ये लड़ाई अन्याय और न्याय के बीच में है. हुकुमशाही का जिस तरीके से जोर चल रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए कैंपेन जो हुआ है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, ऐसा आपको लगता है? नहीं, वो ख़त्म क्यों हो जाएगा? देखिए वही लड़ाई है. संविधान बचेगा तभी लोगों के रोजी रोजगार भी बचेंगे, संवैधानिक संस्थान बचेंगे तभी लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तभी लोगों के अधिकार बचेंगे, वरना तो राजा का बेटा राजा बनता रहेगा. लोकशाही बचेगी तभी तो रोजी रोजगार भी बचेगा. तो दोनों लड़ाई अलग अलग नहीं है, साथ साथ है.